हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोनलेस पुलाव। हमें चाहिए चिकन, बासमती राइस पानी में भिगोए हुए, आलू, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, काजू पेस्ट, टमाटर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, उबले हुए अंडे, टमाटो सॉस, करी लीव, जीरा। सबसे पहले हम लेंगे एक वेसल, उसमें डालेंगे चिकन, 1 कप पानी, टमाटर, जीरा, लाल मिर्च और इसे हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर और इसे बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चिकन बिल्कुल पककर रेडी है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमने हमारे चिकन को स्टॉक से अलग कर लिया। स्टॉक हम आगे रेसिपी में भी यूज़ करेंगे। इस साथ हम हमारे सभी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। सबको अलग अलग तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। साथ ही साथ मैंने अपने बासमती राइस को बॉईल करने रख दिया है। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मैं डालूंगी नमक, थोड़ा सा विनेगर। हम देख सकते हैं हमारे राइस ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखता है कि ये 90% कुक होने चाहिए। हम बिरयानी में 75% कुक राइस यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हमें 90% कुक राइस यूज़ करना है ऐसे। अब एक वेसल में हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और ज़ीरा। कड़ी पत्ता और ज़ीरा हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड चिकन टमाटर के साथ। अब हम इसमें डालेंगे हमारा काजू का बनाया हुआ पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें अब हम डालेंगे हमारे फ्राइड वेजिटेबल्स और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन स्टॉक जो हमने सेव करके रखा था। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। इसमें डालेंगे अब हम नमक। अब हम इसमें डालेंगे चॉप धनिया या कोतमीर और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मसाले पर डालेंगे राइस कुछ इस तरह से। अब हम हमारा पुलाव असेंबल करेंगे। इसमें हम डालेंगे फ्राइड अनियंस, कोथमीर, देसी घी और इसे दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए और साथ ही साथ अंडे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।